प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इकोनॉमिक प्रोग्रेस के विजन को साकार करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने मध्य प्रदेश के लिए कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महामार्गों का उपहार दिया है। इसी कड़ी को आगे ले जाते हुए आज स्वर्णिम इतिहास को अपने में समेटे देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में लगभग 2300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 6 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं NH-47 इंदौर से हरदा पर 1011 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन ग्रीन फील्ड परियोजना, जिससे इंदौर से हरदा और नागपुर के बीच यात्रा के समय में कमी आएगी और प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए संपर्क सुलभ होगा। NH-347 BG इंदौर बुरहानपुर खंड पर 1163 करोड़ रुपए की लागत से नए 4 लेन का निर्माण, जिसमें 2 ट्विन टनल, 5 वायाडक्ट, 3 बाईपास, सिमरौल बाईग्राम चोरल एवं बलवाड़ा, 1 मेजर ब्रिज और 5 अंडरपास और 1 ओवरपास बनाए जाएंगे। साथ ही NH-347 BG पर 32 करोड़ रुपए की लागत से वर्तमान मार्ग के सुदृढ़ीकरण और ओवरलेइंग कार्य को भी किया जाएगा। इस मार्ग के निर्माण से हैदराबाद होते हुए दक्षिणी भारत से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साथ ही मां नर्मदा के तट पर बसा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और खंडवा के तीर्थ स्थानों को जाने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा भी सुगम होगी। इंदौर के राहु सर्कल पर 1 किलोमीटर लंबा 6 लेन का फ्लाईओवर विकसित किया जाएगा। इस फ्लाईओवर से राहु सर्कल पर ट्रैफिक सुलभ होगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इंदौर देवास हाईवे पर DPS से राहु सर्कल तक 2 लेन सर्विस मार्ग का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक सुचारू होगा और जाम मुक्त होगा। आज लोकार्पण किया जा रहा है NH-52 पर भोंडल में वे साइड एमेनिटी, जहां यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं होंगी। इन परियोजनाओं से आवागमन सुगम होगा, ट्रैफिक जाम में कमी आएगी, ईंधन की बचत होगी, क्षेत्र में कृषि उद्योग व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे विकास होगा और रोजगार बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट योजना और क्रियान्वयन से न केवल वाहनों की गति में वृद्धि हुई है, बल्कि दुर्घटनाओं की दर में भी कमी आई है। आज इंदौर अपने ऐतिहासिक धरोहर को सहेजते हुए विकास की ओर तेजी से अग्रसर है। यही तो सही मायने में आज का आत्मनिर्भर भारत है।